हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भूगोल विषय की इस सीरीज में आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं हमारे भारत के भूगोल को। हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि हम पहले विश्व का भूगोल पढ़ेंगे और उसके बाद भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा विश्व का भूगोल समाप्त हुआ और अब हम आज से स्टार्ट करते हैं हमारे भारत के भूगोल को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर भारत के भूगोल के अंतर्गत हम कितने क्षेत्रों में अध्ययन करेंगे, आखिर इसका विषय हम किस तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं भारत के भूगोल को। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने विश्व में विश्व की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया था, वैसे ही हम भारत के भूगोल में भारत की सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। अब बात आती है आखिर हम भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत किस किस चीज का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम इसकी स्थिति का अध्ययन करेंगे, अर्थात यदि हम संक्षेप में देखें तो इसके भौतिक भूगोल का, अर्थात भौतिक मैप का और राजनीतिक मैप का, दोनों का अध्ययन अलग अलग करेंगे। इसके बाद हम करेंगे भौतिक भूगोल का अध्ययन। जिस तरीके से हमने विश्व में भी भौतिक भूगोल का अध्ययन किया था और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृतिक विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया था, उसी तरीके से हम भारत के अंतर्गत भारत के भौतिक भूगोल में भी इसकी जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृतिक संरचना की, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, आखिर भारत को भू आकृतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, इसके वन क्षेत्र कितने हैं, इसके जल क्षेत्र कैसे हैं, इसका जल परिवहन कैसा है, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत। साथ ही साथ हम भारत की जलवायु का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। बात करें हम तीसरे भाग की कि तीसरे भाग के अंतर्गत इसका अध्ययन क्या करेंगे हम, तो तीसरे भाग के अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, अर्थात भारत का आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो आर्थिक भूगोल को भी बहुत सारे भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। जैसे कि भारत की कृषि क्षेत्र कैसी है, अर्थात कृषि में जो फसल उत्पादन है, किस फसल में कौन से राज्य की मात्रा ज्यादा है, अर्थात कौन सी फसल किस राज्य में ज्यादा उगाई जाती है, कहां पर भंडारण ज्यादा है। दूसरा, खनिज संसाधन, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, इन सभी संसाधनों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और चौथे रूप में हम देखें तो चौथे रूप में हम भारत के मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे, अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत भारत में पाई जाने वाली जनजातियों का हम अध्ययन करेंगे कि आखिर कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है और उनकी विशेषता क्या क्या है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसके अंतर्गत भारत की सामान्य जानकारी आती है। तो यदि हम भारत की सामान्य जानकारी का अध्ययन करें तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत दिखाई कैसा देता है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश को छूती है, आखिर भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के उत्तर में क्या है, तो इन सभी का समग्र रूप से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थिति को। तो भारत की स्थिति में यदि देखें तो सबसे पहले आप देखें कि भारत का आकार कैसा है, तो भारत चतुष्कोणीय आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, चतुष्कोणीय आकार का। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय प्रकृति की। कैसी है, चतुष्कोणीय प्रकृति की। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत कैसा दिखाई देता है चतुष्कोणीय प्रकृति में। ये देखिए आप, इसका ये जो है भाग चतुष्कोणीय रूप में दिखाई देता है, चार कोण बनते हैं। अब बात आती है भारत की स्थिति की कि आखिर भारत स्थित कहां पर है। तो हमने स्थिति के आधार पर देखा था, अध्ययन किया था पृथ्वी का। पृथ्वी कैसी है, गोल है, और पृथ्वी गोल है और इसके बीचों बीच एक अक्षांश रेखा है जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरीय गोलार्ध और दक्षिणीय गोलार्ध। अर्थात इसके उत्तर में जो कुछ भी आएगा वो उत्तरीय गोलार्ध में माना जाएगा और दक्षिण में जो कुछ आएगा वो दक्षिणीय गोलार्ध में माना जाएगा। हमने एक चीज और देखी थी कि यहां से एक रेखा गुजरती है जिसे बोला जाता है उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है।
और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी हुई है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। अर्थात महाभारत कहां पर स्थित है? यदि भारत को देखें तो भारत यहां पर स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में माना जाएगा? तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरीय गोलार्ध में माना जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर उत्तरीय गोलार्ध आएगा और नीचे दक्षिणीय गोलार्ध आएगा। तो यह बात ध्यान रखना है, क्योंकि वो पूछता है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में आता है, तो भारत उत्तरीय गोलार्ध में आता है। अब बात करते हैं हम देशांतर की दृष्टि से। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन से एक रेखा गुजरती है जिसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, जिसे 0 डिग्री समय रेखा भी कहा जाता है, टाइमलाइन कहा जाता है। और जो 0 डिग्री टाइमलाइन है वो पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो यदि हम देशांतरीय दृष्टि से देखें कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो देशांतरीय दृष्टि से कौन सा भाग? ये वाला भाग कहलाएगा पूर्वी और ये वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी। तो देशांतरीय दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांशीय दृष्टि से है उत्तरीय गोलार्ध में। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जैसा कि हमने विश्व भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया था कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का अध्ययन किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। इसके आधार पर ही हम यह अनुमान लगा पाते हैं कि कौन सा देश कहां पर है। और वो कैसे लगाते हैं? अक्षांश और देशांतर के मान के आधार पर। उसी तरीके से हमारे भारत का भी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। जैसे कि यदि हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार यहां जो है दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट है। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हम उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो बिंदु है दक्षिणतम बिंदु, यहां पर कौन सा अक्षांश है? यहां पर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जब हम इसके उत्तर में जाते हैं, तो यहां पर भी एक अक्षांश होगा। तो उत्तर में कौन सा है? उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ने नीचे भी उत्तरी अक्षांश लिखा है और ऊपर भी उत्तरी अक्षांश लिखा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में क्या है, हमारा भारत स्थित है। इसलिए यहां पर चाहे भारत में यहां की गणना करें या यहां की गणना करें, दोनों जगह क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश आएगा, क्योंकि इसके उत्तर में जितने भी अक्षांश हैं वो उत्तरी अक्षांश ही होंगे। ये 0 डिग्री होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे अक्षांशों का मान भी बढ़ेगा, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। तो भारत यहां पर 8 डिग्री पर स्थित है, अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और उत्तर की ओर चलते हैं तो इसका जो ऊपरी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। क्लियर हुआ? तो अक्षांशीय विस्तार में क्या आएगा? अक्षांशीय विस्तार में ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का विस्तार है। अब यदि हम देशांतर की बात करें, अब देशांतर कहां से आएगा? यहां से यहां तक आएगा। क्लियर है? अब देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार में आता है 68 डिग्री 7 मिनट। कैसा होगा? पूर्वी देशांतर से यहां पर यदि हम पश्चिम पूर्व की ओर आते हैं तो यहां पर क्या आएगा? यहां पे आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। कंफ्यूजन तो नहीं है कि यहां भी पूर्वी देशांतर क्यों है और यहां भी पूर्वी देशांतर क्यों है? एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है इसका देशांतरीय विस्तार, और यहां पर ऑप्शन में आपको क्या दे देगा? यहां पर पश्चिमी देशांतर भी दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पृथ्वी भारत हमारा स्थित है वो 0 डिग्री टाइम लाइन के कहां पर है? पूर्व में स्थित है। इसलिए यहां पर जितने भी देशांतर हों, चाहे यहां के हों चाहे यहां के हों, वो कैसे होंगे? पूर्वी देशांतर में ही आएंगे। तो यदि इसका देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। क्लियर हुआ?
ये आपको ध्यान रखना है कि भारत यदि अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है, और यदि देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और यदि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब बात आती है कि आखिर इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। यदि हम यहां से यहां तक की चौड़ाई और यहां से यहां तक की लंबाई की बात करें तो पृथ्वी भारत की लंबाई और चौड़ाई है कितनी, तो यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह आती है 3214 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी आती है, 3214 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई आती है 2933 किलोमीटर, अर्थात 2933 किलोमीटर। जो भारत है, भारत की लंबाई या उत्तर से दक्षिण की दूरी जो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और यदि पूरब से पश्चिम की, पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछी जाए तो वो कितनी होती है, 2933 किलोमीटर होती है। अब कुछ बिंदु आते हैं भारत में कि भारत के चतुर्दिक बिंदु क्या हैं, अर्थात इसके अंतिम बिंदु क्या कहलाते हैं। जैसे कि पूर्वी बिंदु क्या होगा आखिरी, पश्चिमी पूर्वी बिंदु क्या होगा, पश्चिमी बिंदु क्या होगा, उत्तरी बिंदु क्या होगा, दक्षिणी बिंदु क्या होगा। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिए, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि सर इस तरफ ही पूर्व क्यों बोल रहे हैं, इस तरफ पश्चिम क्यों बोल रहे हैं, इस तरफ उत्तर क्यों बोल रहे हैं, इस तरफ दक्षिण क्यों बोल रहे हैं। तो जब कभी हम मैपिंग का अध्ययन करते हैं तो हम जब सरफेस पर देखते हैं तो जो इस तरफ की दिशा होती है उसे हम हमेशा पूर्व दिशा मान के चलते हैं, जो इस तरफ की दिशा होती है उसे हमेशा हम पश्चिम की दिशा मान के चलते हैं, जो ऊपर की दिशा होती है उसे हम उत्तर की दिशा, और जो नीचे की दिशा होती है उसे हम दक्षिण की दिशा मानकर चलते हैं, और उसी के आधार पर मानचित्रावली का अध्ययन करते हैं। क्लियर है, तो ये समझ में आया कि कैसे इसके पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की लंबाई और चौड़ाई क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम भारत के चतुर्दिक बिंदु को कि आखिर भारत के चतुर्दिक बिंदु क्या क्या हैं और कहां कहां पर स्थित हैं। तो यदि हम चतुर्दिक बिंदु की बात करें और देखें कि सबसे उत्तरीय बिंदु कौन सा है और कहां पर है, तो यहां पर जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर है, जिसे बोला जाता है इंदिरा काल। क्या कहा जाता है, इंदिरा काल कहा जाता है। ध्यान रखना, जो सबसे उत्तरीय बिंदु है मुख्य भूमि का वो क्या कहलाता है, इंदिरा काल कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यदि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, ध्यान रखना यहां पर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो कौन सा है, वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है, कहां पर है, तमिलनाडु में है। ये दो ध्यान रखना है, उत्तरीय बिंदु इंदिरा काल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु, लेकिन किसका, मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का यदि हम दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वो आता है कन्याकुमारी। अब यदि बात पूछी जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यहां पर ग्रेट निकोबार में स्थित है, और उसका नाम क्या है आपका, उसका नाम है इंदिरा काल, सॉरी इंदिरा पॉइंट। क्लियर है, क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट नाम है। कहां पर है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। यदि पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, यदि पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो वो आएगा आपका कन्याकुमारी। भारत का उत्तरतम बिंदु तो क्या आ जाएगा, इंदिरा काल। ध्यान रखना यहां पर इंदिरा काल है और यहां पर इंदिरा पॉइंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यदि पूछा जाता है कि भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमतम बिंदु गुजरात में स्थित है और उसको बोलते हैं गौर मोता। क्या बोलते हैं, गौर मोता। कहां पर स्थित है, गुजरात में है। अब यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु यहां पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे बोला जाता है किबी थू। क्या कहा जाता है, किबी थू। और कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है।
ध्यान रखना, कौन सा है? किबी थू। तो ये दक्षिणतम बिंदु पूछे जाते हैं, आपको मुख्यतः पांच का अध्ययन करने हैं। यदि पूछा जाता है उत्तरतम बिंदु तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको राज्य भी याद रखना है कि किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर चूंकि अब राज्य नहीं बचा है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर में ही ये स्थित है, तो इंदिरा कौल है। और दक्षिणतम बिंदु यदि मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी है। यदि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहां पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसके बाद यदि पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबितू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यदि पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गौरमौता है, जो कि गुजरात में स्थित है। यदि अक्षांशी और देशांतरीय दृष्टि से हमने देखा था कि ये 68 डिग्री 7 से ये 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या था यहां पर? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से यह कितना था आपका? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर था ही। तो यदि यहां की हम बात करें तो दोनों दोनों देशांतरों के मध्य की बीच की दूरी कितनी आ जाती है? करीब 31 डिग्री आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती? तो कितनी आ जाती है? 31 डिग्री। और हमने जब अक्षांश और देशांतर का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय पढ़ा था कि एक घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। पता है आप सभी को कि कैसे घूमती है 15 डिग्री? कैसे घूमती है पता है? क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, इसलिए एक घंटे में कितनी घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। अब यदि हम बात करें कि इसके पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के मध्य का अंतर कितना है? 31 डिग्री है। तो यदि मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यहां के समय में कितना अंतर आ जाएगा? तो यहां के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। यदि भारत के पूर्व के अरुणाचल की बात करें, किबितू की बात करें, तो किबितू में यदि 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो यहां पर कब होगा? यहां पर 8 बजे सूर्य का उदय होगा। अर्थात यहां के समय, अर्थात अरुणाचल प्रदेश के किबितू के समय और गुजरात के गौरमौता के समय में मुख्यतः 2 घंटे का अंतर आ जाता है। कितना आ जाता है? 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसी के लिए जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, मानक समय देशांतर रेखा है, भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। इसका हम अध्ययन आगे करेंगे कि क्यों गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। बस बताना यह चाह रहा हूं कि दोनों अक्षांश, दोनों देशांतरों के मध्य जो अंतर है वो 30-31 डिग्री का है, इसीलिए यहां समय में जो है 2 घंटे का अंतर आ जाता है। और ताकि पूरा भारत जो है, भारत का समय जो है समान रहे, लगभग समान रहे, इसलिए इसे जो हमारे यहां का मानक समय देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, वो कहां से होकर गुजरती है? वो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है और 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं चतुर्थक बिंदु के बाद कि आखिर भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत को, या भारत की विशेषता है कि इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझने का हम प्रयास करते हैं। उपमहाद्वीप होता क्या है? उपमहाद्वीप ऐसा महाद्वीप होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश हों, और भारत भी ऐसा ही है कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे देश समाहित हैं। तो इसके अंदर कितने देश समाहित हैं? तो यदि भारत को खुद को मिला लिया जाए तो इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं। यहां पर पाकिस्तान आता है। क्या आता है? पाकिस्तान आता है। यदि यहां की बात करें तो यहां पर नेपाल आता है, यहां पर भूटान आता है, और यहां पर बांग्लादेश आता है। तो 4 देश और भारत स्वयं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। अब बात करें हम कि आखिर भारत किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। जलवायु की बात करें कि आखिर भारत किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों भारत जो है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों के अंतर्गत आता है। कैसे आता है समझने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तरी अक्षांश, जिसे बोला जाता है कर्क रेखा, भारत के कहां से? बीचों बीच से
होकर गुजरी है, 8 राज्यों की सीमा को टच करती हुए जाती है। तो ये जब यहां से गुजरती है और हमने पढ़ा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अर्थात यहां का क्षेत्र जो होता है, यहां का कटिबंध होता है, उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। भूल गए हो तो एक मिनट में फिर से बता देता हूं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को, इसको क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता था? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके ऊपर जो था 40 के करीब, यहां पर उपोष्ण था, उपोष्ण के बाद शीतोष्ण था, और शीतोष्ण के बाद शीत था। और हमारा भारत कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है। और जब हमारा भारत यहां पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, तो इसके नीचे वाला भाग ये कैसा कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत कहलाएगा। और इसके उत्तर वाला भाग ये जो है वो उपोष्ण के अंतर्गत आएगा, उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत किस कटिबंध के अंतर्गत आता है, तो भारत दोनों कटिबंधों के अंतर्गत आएगा, उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत भी आएगा और उष्ण कटिबंध के अंतर्गत भी आएगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन में यदि आए कि किसके अंतर्गत आता है, ए उपोष्ण कटिबंध, बी उष्ण कटिबंध, सी उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध, और डी इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है? ऑप्शन में सी को लगाना है, क्योंकि भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखना। अब यदि बात पूछी जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो दोस्तों यहां बताना चाहूंगा कि जो भारत की जलवायु है वो किसके द्वारा, किस पर प्रभावित होती है, किसका अनुसरण करती है, तो मानसून का अनुसरण करती है। उसके आधार पर यहां की जलवायु क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो यहां की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की होती। कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। क्योंकि जो उपोष्ण वाला क्षेत्र है यह भारत की जलवायु को ज्यादा प्रभावित नहीं करता, लेकिन जो भारत का दक्षिण वाला क्षेत्र है, यहां से क्या है, भारत में कुछ महासागर लगे हुए हैं, कुछ सागर लगे हुए हैं, कुछ खाड़ियां लगी हुई हैं, तो उनके कारण यहां पर मानसून आता है, और मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो जैसे ही वो प्रवेश करता है, और वो किसके कारण? उष्ण वाले क्षेत्र के कारण करता है, इसलिए यहां की जलवायु को माना जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्लियर है? थोड़ा सा हम भारत की स्थिति में एक चीज का और अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर इसके पूरब में, उत्तर में और दक्षिण में और पश्चिम में कौन कौन सी सीमा लगी हुई है, अर्थात क्या क्या स्थित है। यदि हम बात करें भारत के उत्तर की, तो भारत के उत्तर में यहां पर जो क्षेत्र है वो हिमालय का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? हिमालय का। अर्थात बात की जाए कि भारत के उत्तर में क्या है, तो भारत के उत्तर की जो सीमा है उसका इसका निर्धारण हिमालय पर्वत करता है। और हिमालय पर्वत की विशेषता यह है कि हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रश्न यदि यह पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है? याद कीजिए, हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ा था एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला थी। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। यदि भारत के पश्चिम वाले क्षेत्र की बात की जाए, तो यहां पर जो है कौन सा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, जैसे कि थार का मरुस्थल, कौन सा? पश्चिम वाला क्षेत्र। अब यदि हम दक्षिण की बात करें, तो भारत तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? सागर से घिरा हुआ है। यदि हम पश्चिम की बात करें, तो यहां पर अरब सागर का क्षेत्र आता है। क्या आता है? अरब सागर का क्षेत्र। यदि इसके दक्षिण की बात करें, तो इसके दक्षिण में यहां पर हिंद महासागर का क्षेत्र आता है। अब यदि हम पूरब की बात करें, तो पूर्व में यहां पर आती है बंगाल की खाड़ी। अर्थात भारत तीन ओर समुद्र सीमा से घिरा हुआ है, और एक ओर से स्थल सीमा से लगा हुआ है, और उत्तर में इसके हिमालय है, दक्षिण में इसके सागर और महासागर हैं। एक महासागर है जिसे हिंद महासागर कहते हैं, दो खाड़ियां हैं, अर्थात एक खाड़ी और एक सागर है, एक बंगाल की खाड़ी है और अरब का सागर है।
यदि द्वीपीय देश की बात की जाए कि कौन सा द्वीपीय देश इसकी सीमा से लगा हुआ है, तो यहां पर श्रीलंका इसकी सीमा से लगा हुआ है, यहां पर बिल्कुल करीब, यह मुख्य भूमि से लगा हुआ है। द्वीपीय देश या जल स्तर के देश की बात की जाए तो वो तो बहुत सारे हैं, उनका अध्ययन हम अलग करेंगे, वो साथ आते हैं, लेकिन यदि इसकी मुख्य भूमि से देखा जाए तो श्रीलंका लगा हुआ है। तो ये तो क्या किया हमने, इसकी स्थिति का अध्ययन किया कि आखिर भारत की स्थिति कैसी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, भारत का देशांतरीय विस्तार कैसा है, भारत की लंबाई कैसी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, आखिर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत के चारों ओर क्या स्थित है। यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपसे वन लाइन फैक्ट में या प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी बात करें, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये संख्या आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती है, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब यदि हम बात करें कि जो इसका क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है, तो कितना प्रतिशत भाग रखता है, यह 2.47% भाग रखता है। यह भी आपको याद रखना है, यह भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग रखता है, तो कितना रखता है, 2.47% भाग रखता है। अब बात आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा आता है, सातवां आता है। कौन सा आएगा, सातवें नंबर पर आएगा। अब प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि यदि सातवें नंबर पर भारत का स्थान आता है तो प्रारंभ के या पहले के छह देश कौन कौन से हैं, तो हम क्षेत्रफल के क्रम से उनका भी अध्ययन कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है, फिर उसके बाद किसका नाम आएगा। तो यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, ये आपको ध्यान आते जा रहे होंगे, हमने क्योंकि मैपिंग का अध्ययन किया था और वर्ल्ड की जब हम मैपिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इन चीजों को बताया था कि कौन सा देश कहां पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बताया था और जनसंख्या की दृष्टि से भी। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले स्थान पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है कौन सा, चीन, चौथे नंबर की बात करें तो आता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें नंबर की यदि हम बात करते हैं तो पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील, छठवें नंबर की बात करें तो छठवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर कौन आएगा, भारत। कभी कभी एग्जामिनर यह भी पूछ लेता है कि भारत के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से और छोटा देश कौन सा है, अर्थात आठवें नंबर पर कौन सा आता है, तो आठवें नंबर पर दोस्तों आता है अर्जेंटीना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आठ देशों का क्रम याद रखना है, कि पहले नंबर पर यदि क्षेत्रफल की बात की जाए कि पहले नंबर पर क्षेत्रफल में कौन सा आता है, तो पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है आपका कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत और फिर अर्जेंटीना। यदि आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आप समझने का इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि हमारे बोर्ड पे मान लीजिए वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ है, तो रूस कहां पर था, यहां पर, तो एक देश इस तरफ का आएगा, एक देश उस तरफ का आएगा, फिर कनाडा यहां पर था, फिर चीन रूस के नीचे यहां पर, फिर चीन के बाद यहां पर जाते हैं तो कनाडा के नीचे क्या आता है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहीं से हम नीचे आ जाते हैं तो यहां पर आ जाएगा क्या, ब्राजील, ब्राजील से इधर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर क्या आ जाएगा आपका, भारत। क्लियर है, तो यह क्रम आपको याद रखना है कि आखिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं और भारत से छोटा देश कौन सा है, आखिर भारत का क्षेत्रफल कितना है, परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए, प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो कुल विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत क्षेत्र अपने पास रखता है।
अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की, कि हमने अभी बात की थी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों भारत के मध्य से अर्थात यहां से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा का मान क्या होता है, इसका मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। नाम हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य आएंगे। सबसे पहले यहां पर जो राज्य लगा हुआ है उसे कहते हैं हम गुजरात, फिर उसके बाद स्थान आता है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बाद हम यदि बात करते हैं तो यहां पर झारखंड, झारखंड के बाद यहां पर जो क्षेत्र है वो कहलाता है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर ये जो क्षेत्र है जिसे त्रिपुरा कहा जाता है, और यहां पर ये जो है इसे मिजोरम कहा जाता है। तो ये जो 8 देश हैं जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, इनकी सीमा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये क्रम आपको याद रखना है, ये देश आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि कौन कौन से, सॉरी देश नहीं, ये राज्य आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं और इनकी संख्या कितनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अभी हमने देखा था कि 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है जिसे मानक समय देशांतर रेखा कहा जाता है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और कहां से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के नैनी से तो होकर जा रही है, लेकिन ये कितने राज्यों से होकर जाती है, आखिर कितने राज्यों की सीमा को टच करती है। तो दोस्तों जो 82.5 डिग्री है, जो 82.5 डिग्री है, इसे मानक समय देशांतर रेखा कहा जाता है। यह भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों की सीमा को टच करती। अब कौन कौन से राज्यों की सीमा को टच करती है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, तो ये सबसे पहले उत्तर में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। क्लियर है, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करते हुए चली जाती है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की सीमा को टच करते हुए चली जाती है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको कर्क रेखा भी याद रखना है और आपको 0 डिग्री मानक समय देशांतर रेखा भी याद रखना है कि आखिर ये किन किन राज्यों की सीमा को टच करते हुए जाती है। अब यदि हम बात करें कि भारत, क्या बात करेंगे कि भारत की तट रेखा कितनी है या इसकी स्थल सीमा रेखा कितनी है, आखिर तो इनको हम कैसे करते हैं, समझते हैं कि भारत की स्थल की लंबाई कितनी है, तट रेखा की लंबाई कितनी है, यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो यदि हम स्थल सीमा की बात करें कि भारत के स्थल सीमा अर्थात ये वाली जो कहलाती है इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई आपसे पूछ ली जाती है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, यह है 15,200 किलोमीटर। क्या यदि पूछा जाता है भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना है कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, वो 15,200 किलोमीटर है। अब यदि पूछा जाए कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तट रेखा क्या कहलाती है, जो कि समुद्र से लगी हुई रहती है, यह जो रेखा है तो ये तट सीमा कहलाएगी। यदि मुख्य भूमि की तट सीमा बोली जाए कि मुख्य भूमि की तट सीमा कितनी है, तो यह है 6100 किलोमीटर, ध्यान रखना ये।
यदि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा या तट सीमा पूछी जाए कितनी है, तो तट सीमा कितनी है, तट सीमा रेखा कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। अब यदि मुख्य भूमि के साथ साथ इसके जो द्वीप हैं इनको भी समाहित कर लिया जाए, इनकी सीमा भी समाहित कर लिया जाए, इनकी सीमा भी समाहित कर ली जाए, तो फिर पूछी जाती है कि भारत की कुल तटीय सीमा, यदि कुल तटीय सीमा पूछी जाए तो वो कितनी होगी, वो होगी 7516.6 किलोमीटर। कितनी होगी, 7516.6 किलोमीटर होगी। ये क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि स्थल सीमा की बात की जाती है तो स्थल सीमा होती है 15200 किलोमीटर। अब यदि भारत की तटीय सीमा की बात की जाए कि भारत की तटीय सीमा कितनी है मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि में कितनी आएगी, 6100 किलोमीटर। अब यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, कुल में आपके द्वीप भी सम्मिलित हो जाएंगे, तो कुल तटीय सीमा होती है 7516.6 किलोमीटर। अब यदि पूछा जाए कि भारत की कुल सीमा कितनी है, अब ना यहां स्थल सीमा पूछा ना यहां पर तट सीमा पूछा, पूछा गया है कि कुल सीमा कितनी है, तो हो जाएगी 22716.6 किलोमीटर। इस मान को आपको याद रखना है। ये सारे मान पूछे जाते हैं, चाहे स्थल सीमा का हो, चाहे तट सीमा का हो, या कुल तटीय सीमा का हो, या कुल सीमा का हो। तो ये मान आपको याद रखने हैं कि भारत की स्थल सीमा कितनी है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, तथा भारत की कुल सीमा कितनी है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं, तो ये तो हुई तटीय सीमा की और स्थल सीमा की बात, अब इसकी समुद्र सीमा भी कुछ होती है। समझते हैं कि आखिर इसकी समुद्री सीमा कितनी है। समुद्र सीमा का अर्थ क्या होता है कि हमें पता है कि भारत के दक्षिण में सागर लगा हुआ है। यहां पर देखें तो बंगाल की खाड़ी है, यहां पर देखें तो अरब सागर है, दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है। अब इसके जल क्षेत्र का भी निर्धारण होता है कि आखिर कितने जल क्षेत्र का हम पूरी तरीके से उत्खनन कर सकते हैं, या वहां पर हम कोई रिसर्च सेंटर डाल सकते हैं, या उसके उसके क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो इसकी भी कुछ सीमाएं बटी हुई हैं, और इसकी सीमाओं की यदि हम बात करें तो यह तीन आधार पर बटी हुई है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि तट सीमा क्या होती है, तट रेखा क्या होती है। तो दोस्तों ये जो तटों को मिलाने वाली रेखा होगी, सभी तटों को आपस में मिला देती है, तो ये कहलाती है तट रेखा। किसी भी दूरी का अध्ययन किया जाए यदि समुद्र के अंतर्गत, तो समुद्र के अंतर्गत यदि दूरी का अध्ययन किया जाता है तो वो समुद्र मील के अंतर्गत किया जाता है। उसकी इकाई क्या होती है, समुद्र मील होती है। और यदि हम एक समुद्र मील की बात करें कि एक समुद्र मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो यदि हमें समुद्र की दूरी का अध्ययन करना है तो समुद्री मील के आधार पर करेंगे, और एक समुद्री मील में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। और जो भी अध्ययन करेंगे हम किससे करेंगे, तटीय रेखा से करेंगे। तो इसे भी दूरी के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। एक होती है प्रादेशिक सीमा, क्या होती है, प्रादेशिक सीमा। दूसरी होती है संलग्न क्षेत्र, और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बात करते हैं हम प्रादेशिक सीमा की, तो भारत की जो कि तट रेखा है, यहां से आगे की 12 समुद्री मील, कितना, 12 समुद्री मील तक की दूरी को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि आधार तट रेखा से बात की जाए कि समुद्र के 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है वो प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आता है।
और जितने भी टोटल अधिकार क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत भारत के ही अंतर्गत आते हैं, मतलब भारत इसके अंतर्गत कुछ भी कर सकता है, ये भारत के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आता है आपका संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है कि जो आधार रेखा है, जो सॉरी तट रेखा है, तट रेखा से 24 समुद्री मील, कितना 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बात हम करें कि संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या कर सकता है भारत, तो भारत का इसके अंतर्गत राजकोषीय अधिकार, राजकोषीय अधिकार भारत के अंतर्गत आता है, कर वगैरह जो है वो भी इसके अंतर्गत लगा सकता है। दूसरी बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण, सीमा शुल्क, ये सारे क्षेत्र जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, 24 समुद्री मील के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात भारत अपनी तट रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में क्या कर सकता है, सीमा शुल्क का निर्धारण कर सकता है, राजकोषीय अधिकार रखता है, प्रदूषण नियंत्रण अधिकार रखता है, इतने अधिकार 24 समुद्री मील तक रखता है, और ये जो क्षेत्र कहलाता है उसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। तीसरे नंबर पर आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। ये कितना होता है, 200 समुद्री मील तक। यहां पर भारत को ज्यादा अधिकार नहीं होते, हां यह जरूर है कि भारत वहां पर रिसर्च सेंटर डाल सकता है, अपनी रिसर्च कर सकता है, वहां के खनिज संसाधनों का उत्खनन करवा सकता है, बस इससे ज्यादा अधिकार उसके पास नहीं रहते, और यह क्षेत्र होता है 200 समुद्री मील तक का। इसके बाद भारत की जो सीमा रेखा होती है समुद्र के अंदर वो समाप्त हो जाती है। तो हमने क्या देखा, हमने स्थल सीमा का भी अध्ययन कर लिया, हमने जल सीमा का भी भारत का अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं कि कुछ डिग्रियां हैं, एक मिनट, डिग्रियों से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ज्वालामुखी कितने हैं और कौन कौन से हैं भारत के अंतर्गत। तो दोस्तों यदि हम ज्वालामुखी की बात करें तो भारत के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ दो ज्वालामुखी आते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे लावा निरंतर बाहर निकलता रहता है, एक बार उनसे लावा बाहर निकला वो निरंतर बना रहता है या वहां पर उत्खनन चालू हुआ बना रहता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें एक बार तो उद्भेदन हुआ लेकिन बहुत समय से बंद पड़े हुए हैं, लेकिन कालांतर में कोई भरोसा नहीं है कि कब उसमें क्या हो जाए, विस्फोट हो जाए, तो ऐसे ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो भारत का जो पहला ज्वालामुखी है, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बैरन ज्वालामुखी। कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी। अब बात पूछी जाती है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन वो कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है वो मध्य अंडमान में स्थित है। कहां पर है, मध्य अंडमान में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या चीज, तो दोस्तों ये द्वीप है जो भारत के द्वीप समूह है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यहां पर एक द्वीप समूह है जिसे बोलते हैं लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जैसे कि अंडमान को पहले मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक अंडमान और एक निकोबार। अंडमान को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान सॉरी दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। उसी तरीके से निकोबार को भी तीन भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब विभाग इसलिए बांट के पढ़ते हैं कि यहां पर कुछ अलग अलग स्थितियां होती हैं, कुछ अलग अलग चीजें हैं। जैसे बात की जाए कि अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहां पर स्थित है, तो वो मध्य अंडमान में ही स्थित है। बात की जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहां पर स्थित है, तो मध्य अंडमान में स्थित है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कौन सा है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तो आपको याद रखना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा, नारकोंडम, और कहां पर स्थित है, तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो यह आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना याद नहीं रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको अंडमान के और निकोबार के सारे भागों का पता होना चाहिए कि आखिर अंडमान को कितने भागों में बांटा गया है, बैरन कहां पर है, नारकोंडम कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां पर है, या इंदिरा पॉइंट कहां पर है। बताया था मैंने इंदिरा पॉइंट कहां था, ग्रेट निकोबार पे था। क्लियर हुआ, तो ये चीजें हो गई क्लियर।
अब इसके बाद कुछ रेखाएं हैं, कुछ डिग्रियां हैं जो भारत के कुछ द्वीपों को या कुछ क्षेत्रों को या कुछ देशों को एक दूसरे से अलग करती हैं। उनको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी डिग्रियां हैं जो भारत के इन क्षेत्रों का क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। तो सबसे पहले भारत का विस्तार मैंने बताया था 8°4 से है, 37°6 तक है। यहां पर एक बात और बता दूं, यदि भारत का कुल विस्तार पूछा जाए कि कुल क्षेत्र अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो 6°4 से माना जाता है दोस्तों, यहां पर 6°4' से माना जाता है। अभी तक हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था 8°4 से, और 8°4 कहां था, ये आपका था मुख्य भूमि का, लेकिन यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी यदि मिला लिया जाए तो इसका पूरा अक्षांशीय विस्तार 6°4 से 37°6 के मध्य माना जाता है। बात करते हैं हम कि आखिर कौन कौन सी डिग्रियां हैं जो इनको बांटती हैं। तो सबसे पहले यहां पर नीचे जाते हैं तो यहां पर एक डिग्री है जिसे बोलते हैं 8°चैनल। क्या बोलते हैं? 8°चैनल। और 8°चैनल मिलिकाय द्वीप को मालदीव द्वीप से अलग करती है। किस किस को अलग कर रही है? मालदीव को मिलिकाय से। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि 8°चैनल किन किन को अलग करता है, तो मालदीव को मिलिकाय से अलग करता है। इसके ऊपर आते हैं तो यहां पर एक चैनल है जिसे बोलते हैं 9°चैनल। कौन सा? 9°चैनल। और 9°चैनल किस किस को अलग करेगा? तो मिलिकाय को लक्षद्वीप से अलग करेगा। ध्यान रखना, किस किस को? मिलिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो 8°चैनल मालदीव को मिलिकाय से और 9° मिलिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। बात करते हैं 10°चैनल की। 10°चैनल कहां पर है? तो 10°चैनल यहां पर है, और यह लिटिल अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? 10°चैनल याद अलग करता है। तो ये तीन चैनल याद हो गए, 8°, 9°, 10°। क्लियर है? यहां पर एक चैनल है जिसे कहा जाता है ग्रेट चैनल। क्या कहा जाता है? ग्रेट चैनल। चैनल अर्थात नहर ही होती है, नहरें बना दी जाती हैं, वो उनको अलग करती है, स्थलों को अलग करती है एक दूसरे से। यहां पे ध्यान रखना, तो यहां पर है ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? तो भारत का जो ग्रेट निकोबार है उसको इंडोनेशिया से अलग करता है। यहां पर एक देश है जिसे बोलते हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के अंतर्गत जावा, सुमात्रा, ये द्वीप आते हैं। तो पूछा जाता है ग्रेट चैनल किस किस को अलग करता है? तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया को किससे अलग कर रहा है? इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग कर रहा है। अब हम और यहीं पे चलते हैं, यदि इसी का अध्ययन करें तो यहां पर एक चैनल है। कौन सा चैनल है? तो उस चैनल को बोला जाता है कोको स्टेट। क्या कहा जाता है? कोको स्टेट। कोको स्टेट उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है, और कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है, ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है? एक चैनल हमने यहां पे पढ़ा था जब हम एशिया का अध्ययन कर रहे थे, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत यहां पर देखा था, जिसको बोला जाता है पाक जल डमरू मध, या पाक चैनल, या पाक नहर, या पाक जल संधि। और वो किस किस को अलग करता है? वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो ये तो क्या हुआ, भारत का सारा भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसके अंतर्गत हमने भारत का पूरा क्षेत्रफल देखा कि आखिर इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। यदि इसकी सीमा की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां कहां लगी हुई है, आखिर किन किन देशों की सीमा को टच कर रहा है। यदि हम देखें कि इसकी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, यदि इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो इन सबका अध्ययन किया। इसके साथ ही हमने इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का भी अध्ययन किया, और यह भी जानने का प्रयास किया कि भारत आखिर अक्षांश की दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, और देशांतर की दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। अब हम अध्ययन करते हैं कि भारत पॉलिटिकल मैप की दृष्टि से, अर्थात राजनीतिक मानचित्रावली की दृष्टि से, भारत की विशेषताएं क्या क्या है। अब यदि हम भारत की राजनीतिक दृष्टि से देखें कि राजनीतिक दृष्टि से आखिर इसका विस्तार कैसा है, ये किन किन देशों की सीमा को टच करता है, आखिर इसके अंतर्गत कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात उनकी वर्तमान स्थिति क्या है,
तो इन सभी का अध्ययन हम भारत के राजनीतिक मानचित्रावली के अंतर्गत करते हैं। तो अभी हमने भौगोलिक मानचित्रावली का अध्ययन किया, अब हम करते हैं राजनीतिक मानचित्रावली का अध्ययन। तो राजनीतिक मानचित्रावली के अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे आखिर कितने देश लगे हुए हैं, भारत की स्थल सीमा से लगने वाले देश कितने हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्थल सीमा से कुल 7 देशों की सीमा टच होती है। भारत की स्थल सीमा से कितने देशों की सीमा टच होती है, तो 7 देशों की सीमा टच होती है। देखते हैं कौन कौन। यहां पर एक देश है जिसे बोलते हैं पाकिस्तान, यहां से एक सीमा लगी हुई है उसे बोलते हैं अफगानिस्तान, यहां पर देश है जिसे कहा जाता है चीन, यहां पर नेपाल है, नेपाल की सीमा लगी हुई है, यहां पर भूटान है, यहां की बात करें तो यहां पर म्यांमार है और यहां पर बांग्लादेश है। तो इतने देश हैं जो भारत की स्थल सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब बात आती है कि भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए देश कितने हैं। ये तो स्थल सीमा हो गया, और समुद्री सीमा की यदि हम बात करें तो दोस्तों समुद्री सीमा से भी जो देश हैं वो हैं 7। 7 देशों की सीमा भारत की समुद्री सीमा से लगी हुई है। आखिर वो देश कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से आएंगे। तो एक तो आपका पाकिस्तान, पहला तो पाकिस्तान ही आ जाएगा, दूसरा म्यांमार, तीसरा बांग्लादेश। ये ऐसे देश हैं जो स्थल सीमा से भी लगे हुए हैं और जल सीमा से भी लगे हुए हैं, दोनों तीनों देश। अब इसके बाद चौथे नंबर पर जो कि हमारा पड़ोसी है, इसे बोलते हैं हम श्रीलंका। पांचवें नंबर की बात करें तो मालदीव। छठवें और सातवें नंबर की बात करें तो छठवें नंबर पर आता है थाईलैंड और सातवें नंबर पर आता है इंडोनेशिया। क्या आता है? इंडोनेशिया। तो ये 7 देश हैं जो भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए हैं और ये 7 देश हैं जो भारत की स्थल सीमा से लगे हुए हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश स्थल सीमा से लगे हुए हैं और कौन कौन से देश जलीय सीमा से लगे हुए हैं। हम आते हैं स्थल सीमा की ओर, देखते हैं कि आखिर स्थल सीमा तो लगी हुई है लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल या सबसे ज्यादा सीमा किस देश की लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा सीमा के आधार पर क्रम आता है, याद करने के लिए ट्रिक होती है, बचपन के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। वा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल। ये 4 देश आपको क्रम से याद हो जाएंगे। वैसे हम देखने का प्रयास करते हैं कि वैसे कौन कौन से देश किस तरीके से आते हैं और आखिर इनकी कितने किलोमीटर की सीमा भारत की सीमा से लगी हुई है। बात करें तो पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत की सीमा से सबसे ज्यादा लगी हुई है और इस सीमा का मान देखा जाए तो वो है 4096 किलोमीटर। ध्यान रखना ये कि 4096 किलोमीटर सीमा रेखा किसकी लगी हुई है? बांग्लादेश की भारत से लगी हुई है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन से देश की सीमा भारत की सीमा से सर्वाधिक लगी हुई है, तो सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। दूसरे नंबर पर स्थान आता है चीन का, और चीन की यदि सीमा की बात की जाए कि कितनी सीमा लगी हुई है, तो वह लगी है 3488 किलोमीटर। कितनी लगी है? 3488 किलोमीटर। अब यहां पर साथ में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो ये देश हैं इनकी सीमा किन किन राज्यों को टच कर रही है। तो यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को टच करता है। उन 5 राज्यों की बात करें तो उसमें आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश। तो ये देश भी आपको याद रखने हैं। मैं सारे देश आपको नहीं बताऊंगा,
ये आपका काम है कि आप इसमें से ढूंढिए, मानचित्रावली का अध्ययन कीजिए और देखिए कि किस देश की सीमा किन किन देश राज्यों से लग रही है या किन किन राज्यों की सीमा किन किन देशों की सीमा को टच कर रही है। ये प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो नेपाल की सीमा को भी टच करता है, जो भूटान की सीमा को भी टच करता है, जो बांग्लादेश की सीमा को भी टच करता है। तो पांच राज्य कौन कौन से पढ़े हमने बांग्लादेश के, मैं बता देता हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं चीन की, कि आखिर चीन की कितनी सीमा लगी हुई है। तो चीन की 3488 किलोमीटर सीमा भारत को टच करती है। और यदि हम राज्यों की बात करें तो भारत के चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की इससे सीमा लगी हुई है। अब मन में प्रश्न कौन रहा होगा कि ये चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुए। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहले हमारा राज्य था, लेकिन अब यह दो भागों में बट गया है, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। एक को बोलते हैं जम्मू और एक को बोलते हैं लद्दाख। तो जो लद्दाख वाला भाग है उसकी सीमा चीन से लगी हुई है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। बाकी राज्य हैं जिनकी सीमा इससे लगी हुई है। क्लियर है। तीसरे नंबर की बात करें कि आखिर तीसरे नंबर पर कौन सा देश आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है 3323 किलोमीटर क्षेत्रफल से। कितने राज्यों को टच करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी कितनों को करेगा, 3+1 अर्थात तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को। एक केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू आ जाएगा और तीन राज्य आप देख सकते हैं कौन कौन से होंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं हम कि चौथे नंबर पर कौन सा देश आएगा, तो चौथे नंबर पर आती है नेपाल की स्थिति। किसकी आती है, नेपाल की। और इसका क्षेत्र बात की जाए तो यह कितने किलोमीटर में है, तो यह है 1751 किलोमीटर क्षेत्रफल को टच करता है। मतलब इसकी सीमा 1751 किलोमीटर भारत से लगी हुई है। नेपाल के बाद म्यांमार का स्थान आता है। म्यांमार की चार राज्यों से सीमा लगी हुई है, हमारे जो देश हैं उसके चार राज्य की सीमा म्यांमार से लगी हुई है, वो आप मानचित्रावली के अंतर्गत इसका अध्ययन कीजिएगा। किलोमीटर में पूछा जाए कि इसकी किलोमीटर में कितना क्षेत्र लगा हुआ है, तो म्यांमार 1643 किलोमीटर क्षेत्र सीमा इससे लगी हुई है। अब फिर भूटान और अफगानिस्तान की बात आती है, तो बहुत कम मात्रा में लगा हुआ है, लेकिन यदि सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की लगी हुई है और वो लगी हुई है 106 किलोमीटर, और वो सिर्फ एक राज्य अर्थात एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे लद्दाख कहते हैं उसकी सीमा को टच करता है। क्लियर है। तो ये तो क्या हुआ, ये तो हमारी स्थल सीमा से लगने वाले देश। आखिर कौन सा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा लग रहा है या किसकी सीमा ज्यादा टच कर रही है और हमारे कितने राज्य उनकी सीमा को टच कर रहे हैं। यदि ओवरऑल बात करें कि आखिर कुल कितने राज्य हैं जो भारत जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा को टच करते हैं, तो कुल राज्यों की संख्या आ जाएगी 17। कितनी आ जाएगी, 17। अर्थात 17 राज्य ऐसे हैं जो किन्हीं ना किन्हीं देश की सीमा को टच करते हैं। अब बात करते हैं हम, यह तो हुई देश की, अब बात करें हम कि आखिर भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले बात करें कि राज्य क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। तो हमारे भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कहा गया है कि एक केंद्र होगा और एक कुछ राज्य होंगे। केंद्र में केंद्र सरकार कार्य करेगी, राज्यों में राज्य सरकारें अलग से होंगी जो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी हुई होंगी। तो केंद्र का जो कंट्रोल होता है वो पूरे भारत पर होता है, लेकिन राज्यों के अंदर भी एक शासन प्रणाली होती है जिसे राज्य सरकार कहते हैं, अर्थात राज्यों को भी कुछ स्वायत्तताएं दी जाती हैं। यदि संविधान की सातवीं अनुसूची की बात करें तो उनमें शक्तियों का वितरण की बात कही गई है। अर्थात यह है कि यदि केंद्र को कोई नियम कानून बनाना है और यदि वो राज्य की सीमा को प्रभावित करता है, राज्य के अधिकार क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो वो राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल से सलाह लेगा। तो क्या होता है, यहां पर कुछ शक्तियां सीमित हो जाती हैं संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। लेकिन संघ शासित प्रदेशों में क्या होता है, यहां पर
यहाँ की राज्य सरकारें नहीं होती, वहां पर सीधा नियंत्रण केंद्र का अर्थात राष्ट्रपति का उन पर होता है। तो ये अंतर होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में। बात करें कि भारत में कितने राज्य हैं, तो यदि हम 2014 की बात करें कि 2014 में भारत की स्थिति क्या थी, तो 2014 में भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने राज्य थे? 28 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2014 में, 2 जून 2014 में एक परिवर्तन हुआ। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य बना, जिसे कहा गया तेलंगाना। क्या कहा गया? तेलंगाना। और तेलंगाना के निर्माण से ही भारत में कुल कितने राज्य हो गए? भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। समय बढ़ता गया, समय आया 2019 का। तारीख थी 6 अगस्त 2019 को एक निर्णय आया, जिसके अंतर्गत जो हमारे संविधान का आर्टिकल 370 है उसे समाप्त कर जो जम्मू कश्मीर है, जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसको अब राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि में रख दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू में परिवर्तित कर दिया गया। तो 6 अगस्त 2019 को भारत की स्थिति क्या हो गई? यहां पर 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। बात आती है 2020 की, और 2020 में 26 जनवरी का दिन था। 26 जनवरी 2020 में सरकार ने एक और निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत 2 केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर दमन और दीव है और दादर नगर हवेली है, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले दोनों अलग अलग थे, तो यहां पर फिर एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया। अर्थात अब यहां पर जब ये जम्मू कश्मीर बना, तो ध्यान रखना यहां पर 29 राज्य नहीं, क्या बचेंगे? 28 राज्य बचेंगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। तो अब यहां पर स्थिति यह है वर्तमान की कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने राज्य हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? अब यदि हम बात करें कि भारत की तटीय सीमा से आखिर कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है, तो भारत की तटीय सीमा से यदि हम देखें तो भारत की तटीय सीमा से 9 राज्यों की सीमा लगी हुई है। यहां पर बात करते हैं गुजरात की, फिर आता है आपका गुजरात के बाद महाराष्ट्र, यहां पर आता है गोवा, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है केरल, फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर यहां पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, और फिर यहां पर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगी हुई है? समुद्र से लगी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक क्रम रखना है और मैपिंग का अच्छे से अध्ययन करना है। मैंने भारत की जो जनरल भूगोल है या भारत की जो सामान्य स्थिति है, उसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, आपके सामने सभी को कवर करने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से अब इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी आप लोग इसका अध्ययन और अच्छे से कीजिए, राज्यों का अध्ययन कीजिए, मैप को देखते रहिए। आपको राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी याद होना चाहिए। उसके साथ ही भारत की सारी स्थिति कि आखिर कितने देशों की सीमा इसको टच कर रही है, चाहे वो जलीय हो चाहे वो स्थलीय हो, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लग रही है, सबसे कम किसकी लग रही है, किस राज्य की किस देश से सबसे ज्यादा सीमा लग रही है, तो इन सभी का अध्ययन करना है, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत हम भू आकृतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, भारत के भू आकृतिक भूगोल का, कि आखिर भारत में, भारत की जो संरचना हुई है, भारत में जो अलग अलग क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है। फिर हम उसके बाद भारत के भौगोलिक संरचना का अध्ययन करेंगे कि आखिर भारत कितने भागों में विभक्त है या भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इन सभी का हम सम्मिश्रण अध्ययन आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।